सेकंड फेज की वोटिंग को लेकर योगी का विरोधियों पर करारा अटैक, कहा अपनी हार से घबराया विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है। सीएम योगी ने कहा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग आज ईवीएम को नकार रहे हैं ये वही लोग हैं जो बुलेट लूटने का काम करते हैं। सीएम योगी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, हाथरस की रैली में बोले कांग्रेस ने पहले देश को बांटा, अब आपकी संपत्ति को बांटने की साजिश। वलसाड में प्रियंका गांधी ने कहा पूरे देश में कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा, 10 साल में सरकार ने बातें बड़ी बड़ी की लेकिन काम कुछ नहीं किया। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी के बयान पर खड़गे का पलटवार, कहा मोदी को ऐसी बातें बोलने की आदत, याचिका एक वकील की थी मेरी पार्टी की नहीं। पीएम को लेकर दिए बयान पर हेमंता बिस्व शर्मा के जवाब से भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा मैंने मोदी से बात की है, सीएम से नहीं, मोदी मेरे प्रतिद्वंदी, हेमंता नहीं। तेजस्वी यादव के 400 पार की फिल्म फ्लॉप होने वाले बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार, कहा उनके पिताजी 2019 में भी ऐसी बात करते रहते थे, बिहार के लोग अब इनसे छुटकारा चाहते हैं। वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल सिंह लड़ेगा चुनाव, अमृतपाल की मां ने किया कंफर्म, बोली खड़गू साहिब से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेगा अमृतपाल। गोरखपुर में सांसद रवि किशन ने घायल महिला को अपनी गाड़ी में पहुंचाया अस्पताल, जनसंपर्क कार्यक्रम में जाते समय घायल महिला पर पड़ी थी नजर। YSRCP पार्टी का घोषणा पत्र जारी, विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन रेड्डी ने जारी किया मैनिफेस्टो। आंध्र प्रदेश के विजयन नगर में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से भारी मात्रा में सोना और चांदी बरामद, पुलिस ने 6,40,00,000 रुपए की कीमत का सोना चांदी जब्त किया। ओडिशा के अंगुल में धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, बैठक के बाद प्रधान ने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को भोजन परोसा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, पारा 43 डिग्री के पार पहुंचा, 30 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। हैदराबाद से AIMIM उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी का डोर टू डोर कैंपेन जारी, बीजेपी के माधवी लता से ओवैसी का मुकाबला 13 मई को हैदराबाद में डाले जाएंगे। ईडी के आरोपों पर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के दाखिल किया जवाब, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा बीजेपी से चारों गवाहों के संपर्क। केजरीवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी पर बोले मनोज तिवारी, कहा केजरीवाल की जिद के कारण दिल्ली का नुकसान हो रहा है, केजरीवाल को दिल्ली की चिंता नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आम आदमी पार्टी, गोपाल राय ने वॉर रूम का उद्घाटन किया। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी, वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए थे अमानतुल्ला। जमानत मिलने के बाद पार्टी दफ्तर पहुंचे आप विधायक अमानतुल्ला खान, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेल का जवाब वोट से अभियान चलाया, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अभियान चलाया गया। साल में दो बार CBSE बोर्ड परीक्षा को लेकर फैसला जल्द संभव, शिक्षा मंत्रालय ने अगले महीने बुलाई बैठक। जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत, हालांकि सजा पर रोक से इनकार, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की मांग, TMC को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। गुजरात ETS ने अवैध हथियारों के साथ 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से 25 पिस्टल, 90 कारतूस बरामद किए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू मर्डर केस में CBI की एंट्री FIR दर्ज कर जांच शुरू की गई। मध्य प्रदेश के मंडला में सड़क हादसा, मंडला जबलपुर मार्ग पर अनियंत्रित बस पलटी, हादसे में 20 लोग घायल हुए। चारधाम यात्रा पर जाने वाली बसों की लॉटरी डाली गई, कुल 2200 बसें यात्रा पर जाएंगी, पहली बस यातायात कंपनी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के इटावा में सड़क हादसा, स्कूली बच्चे से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटा, 7 बच्चों समेत 9 लोग घायल। प्रयागराज पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक फार्मा कंपनी में आग लगी, दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हैदराबाद में फोन तस्करी रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस ने 5 सूडानी नागरिक समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 1.75 करोड़ रुपए के 703 स्मार्टफोन जब्त किए गए। त्रिची एयरपोर्ट पर दुबई से लौटे एक यात्री के पास से 70,00,000 रुपए के मूल्य का 967 ग्राम सोना बरामद किया गया, यात्री को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के दुर्ग जिला में कलेक्टर हनुमान मलडाका के यहां एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा, 25,00,000 घूस मांगने के मामले में कार्रवाई। MP के जबलपुर में हिस्ट्री शीटर के यहां निगम की कार्रवाई, हिस्ट्री शीटर शमीम खान के भाई सलीम खान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। मुंबई में BMC ने चलाया सफाई का विशेष अभियान, मुंबा देवी इलाके में अभियान चलाया गया। अयोध्या में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने 95 बच्चों को रेस्क्यू किया, अवैध रूप से यूपी के बिहार ले जाए जा रहे थे बच्चे। नैनीताल के जंगल में लगी आग बुझाने में जुटी वायुसेना, MI-17 हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया गया। तमिलनाडु के कलाकुरुची में सड़क हादसा, नियंत्रित होकर पलटी बस, 15 लोग घायल।
बिहार के दरभंगा में शादी के घर में फंसा मातम, आतिशबाजी के कारण टेंट में आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। महाराष्ट्र के वड़गांव में 36 लोगों को लेकर जा रही प्राइवेट टूरिस्ट बस में आग लगी, बस पूरी तरह जलकर खाक, लेकिन किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के अजमेर में मौलाना की हत्या, मोहम्मदी मस्जिद में घुसकर 3 नकाबपोश बदमाशों ने पीट पीट कर ली जान, मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हुई ताजा बर्फबारी, दिखा खूबसूरत नजारा। जम्मू कश्मीर के आंबन में जमीन धंसी, 50 से ज्यादा घर और बिजली ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ। जम्मू कश्मीर के आंबन में करीब 6 किलोमीटर दूर पैनोट में लगातार भूस्खलन से सड़कों और घरों में आई दरार बिजली टावर को भी नुकसान पहुंचा। जमीन धंसने के बाद कई घरों में आई दरारें, गुल और रामबन के बीच सड़क संपर्क टूटा, कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा।